बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। अस्के प्रति धड़ाए गुरुपद नेह स्त्र लावही। कल मैंने आपसे कहा था कि सुरत योग पर बातचीत करूंगा। साहब ने सुरत योग को स्थापित किया, कर्म योग को भी नहीं। और ज्ञान योग को भी नहीं। हालांकि न तो हम कर्म के खिलाफ है न तो ज्ञान के। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश उर मोह तमर नशावई। हाँ, यानी गुरु के ध्यान से हृदय प्रकाशित हो जाएगा। यही बात तो गोस्वामी जी रामायण में भी बोल रहे हैं। श्री गुरुपद नक गणमण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि है होती। और साहब ने तो बहुत आगे होकर के कहा, गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विज्ञानंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर और हृदय को कहते हैं। मोह तिमिर नशा वही। मैंने आपसे दो दिन पहले कहा था कि जीव का वास हृदय में है और मन मस्तिष्क में रहता है। मस्तिष्क के चार कोष्ठक। मस्तिष्क फ्रॉड करता है, हृदय निर्मल है पर वहां अंधकार है। जीव हृदय तम मोह विषय की, इसी अंधकार के कारण से छूट न ग्रंथ किम जाए न पेखी। वो मन और माया की गठान दिखाई नहीं दे रही है। तो कह रहे गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर उर मोह तिमिर नशा वही। ये कैसे मोह नाश हो जाएगा? वहां उसको जब ये दिव्य प्रकाश मिलता है तो मन के क्रियाकलापों को ठीक से समझने लगता है। वो अच्छी तरह समझ जाता है कि मन मुझे कैसे भ्रमित कर रहा है। गुरुपद पराग प्रताप दे अगपुंज निश्चय जा वही। हाँ, पुंज कहते कट्ठे को, गुच्छे को। कह रहे गुरु के प्रताप से जितने भी पाप हैं निश्चय जा वही पक्का कट जाते हैं। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। और मध्य युक्ति नहीं तरण की विश्वास शब्द समा वही। बोला और इस संसार सागर से तरने की कोई युक्ति नहीं है, विश्वास। कहो कौन सिद्ध बिन विश्वास है। विश्वास बहुत जरूरी है। जो विश्वास है ये प्रेम का पूर्वक है। और बिन प्रतीत जीवना तरी। विश्वास और प्रेम एक दूसरे के पूर्वक है। जिस पर विश्वास नहीं है उसके प्रति प्रेम नहीं हो पाएगा। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे और युक्ति नहीं तरण की, और मध्य युक्ति नहीं तरण की। संसार सागर से तरने की और कोई युक्ति साधन नहीं है। विश्वास शब्द समावही। अब विश्वास पर आप सोचे, आपने जरूर मुझ पर विश्वास किया इसलिए मैं तीन लोग से परे की बात की जो सनातन पुरातन समय से उपासना पद्धतियों को आप फॉलो कर रहे थे। आपने छोड़ करके मेरे कहने पर उस चीज को अपनाया। ये तो विश्वास था, आपने भरोसा कर लिया। यह भाव अगर मथा नाम प्रेम धड़ के गए। हाँ, यहां प्रेम भी कह रहे हैं और नाम दृढ़ता से पकड़े ले कृपा गुरु था गुरु ग्राह कन्हार मिल। अब कन्हार गुरु को कहते। अब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुरत योग जो साहब ने कहा है
सुरत योग का धातु क्या है? सदगुरु कहे गुरु व्रतधारी, अगुन सगुन बिच गुरु आधारी। जो गुरु व्रतधारी है उसकी महिमा वाणियों में बहुत कही है। साहब ने यहां तक कह दिया हरि सेवा युग चार है, हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पल एक, ताका पटर ना तुले संतन किया विवेक। गुरबिन नहीं होए आचारा, गुरबिन होए ना भव पारा। कैसे फिर ये सूरत हम कहां रखें? यहां है ही सूरत योग। योग कहते हैं जोड़ना, सूरत जोड़ना। आखिर ये सूरत किससे जोड़े? आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कल एक शब्द उठाया था, आज उसको थोड़ा रिपीट करूंगा ताकि आप पुनः कहूंगा समझें थोड़ा सा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, मैंने एक बात और बोली थी, विहंगम चाल सिर्फ एक संत की होती है, बाकी विहंगम वाणी का विषय नहीं है। मैंने कई लोगों से एक प्रश्न पूछा, भाई विहंग मार्ग क्या है? लोगों ने विहंग मार्ग की व्याख्या अपने अपने अटकल पक्षों से की है। वास्तविकता यह विहंग पक्षी को कहते हैं। अब साहब क्या कह रहे हैं, श्वेत वर्ण पुरुष को निश्चिंत धरिए ध्यान, श्वेत वर्ण पुरुष को। इसका मैं उदाहरण एक जगह और भी दूंगा। प्रमाण आस्था को दृढ़ करते हैं, इसलिए श्वेत वर्ण पुरुष को निश्चिंत धरिए ध्यान। आप देखना कबीर पंथ के अंदर बड़ी विविधता है, 12 पंथ हैं, 12 की धारणा अलग अलग है। इस पर मैं कई बार व्याख्या दे चुका हूं। कबीर पंथ में लेकिन सभी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, भगवा नहीं। भगवा रंग निरंजन का है, इसलिए आप देखें संतों में भी, सिखों में भी आप देखना, वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, श्वेत वर्ण पुरुष की। अच्छा, कोई वो तो रंग रूप से रहते हैं, अब यहां श्वेत क्यों कह दिया? लेकिन अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए उसे केवल श्वेत की संज्ञा दे दी है, रंग रूप विहीन है तो भी निश्चिंत धरिए ध्यान। अब व्यंग क्या है? एक बार जो दर्शन पाए देखे बहुत विलंब न आवे। जो एक बार उस सत्ता को जान जाता है वहां जैसे ध्यान रखेगा। मैं एक चीज खोज रहा था इसी में, गुरु महात्म ज्ञान में, जिसमें साहब ने सीधा सीधा ये कहा वहीं ध्यान रखना, पर वो रख सकते हैं जो वहां पहुंचे। वहां एक चुंबकीय आकर्षण है परम पुरुष के अस्तित्व में, लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का कालते दे छुड़ाए। मैं बीच में एक सूचना दे रहा हूं, आप सबसे प्रार्थना है अपने नियर डियर लोगों को यह सूचना देना। अभी मैं थोड़ी देर में यहां से जम्मू से निकलूंगा, मेरी फ्लाइट है,
सात बजे के आसपास मैं वेद मंदिर अहमदाबाद में मेरा प्रोग्राम है 10 बजे तक। रात्रि वहां शयन के बाद सुबह मैं मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगा। कल मेरा प्रोग्राम मुंबई में है, आश्रम में है। मैं वहां करीब 2.25 साल बाद जा रहा हूं। यही अहमदाबाद की भी बात है, तो आप अपने परिचित और जानकार और सत्संगी भाइयों को ये सूचना देना है कि आज मेरा प्रोग्राम 7 बजे सांझ शाम को वेद मंदिर अहमदाबाद में है। कल मैं 1 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा प्रोग्राम बसई के पास आश्रम में वहां है, तो वहां अधिक से अधिक संगत आए। अब यहां कह रहे श्वेत वर्ण पुरुष को, अब जो व्यंगम है वो ये है कि जो उस परम सत्ता में पहुंच जाता है उसके बाद अपना कंसंट्रेशन वहां रखता है, जैसे वहां कंसंट्रेशन रखता है तो वो वहीं पहुंच जाता है। लोहा चुंबक प्रीत है, लोहा देत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से दे छुड़ा है। लेकिन पहले बिना सदगुरु के वहां जा नहीं सकता है, शब्द में आए पुरुष को वासा, तब वो उसके बाद में क्या फिर आसान हो जाता है। अब यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, काफी लोग आकर के गप्पी नाना पंथ मत मतांतरों के मुझसे आकर गोष्ठी करते हैं, कहते हैं हम सतलोक गए, सतलोक देखा। मैं कहता है सभी सतलोक देखा तो बताओ कैसा है, वो व्याख्या देते हैं। सतलोक की व्याख्या भी साहब ने वाणियों में लिखी हुई है, मैं सुनता हूं। वो चलान का बीड़ा जो है उसमें 10 मुकामी क्या क्या रास्ते में आता है इसकी व्याख्या है। वो दोहा पढ़ते हैं, शायद कबीर साहित्य का ऐसा कोई बुक नहीं होगा जो मेरी नजर से नहीं निकला है। आप मेरे प्रवचन में देखते होंगे हजारों साखी शब्द मुझे वैसे भी याद है, वो सुनाते हैं, मैं सुनता हूं, सुनना पड़ता है, पूरी व्याख्या देते हैं। जब वहां का वर्णन करते हैं तो अटपटा होता है, उससे मैं जान जाता हूं कि आदमी जानकार नहीं है। ये आदमी जानकार नहीं है। कुछ लोग कैसे नकल करते हैं बताऊं? मैंने अध्यात्म यात्रा में एक बुक में लिखा है कि किस तरह से, मैंने उसका तर्क भी दिया, सुनिए, कि ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। मैंने एग्जाम्पल दिया था 2-4 कुछ दिन पहले, वहां उसको एक एनर्जी अद्भुत मिलती है। हम जो कुछ भी अनाज फल पदार्थ आदि खाते हैं, ये इसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है? पृथ्वी से आ रही है, यानी ये पूरी पृथ्वी में है और 60 एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन सोइल। भोपाल में भारत का सबसे बड़ा भू सर्वेक्षण विभाग है, सोइल रिसर्च डिपार्टमेंट है। वहाँ के वैज्ञानिक भी मेरे पास आए, मैंने उनसे जब गोष्ठी की तो वो बोला हम लोग सोइल पर, मिट्टी पर रिसर्च करते हैं। मैंने कहा वही मिट्टी जिस पर हम चलते हैं, खेलते हैं, सब चीज़ें करते हैं ना, इस पर लंबा रिसर्च, बोला हाँ गुरु जी, बिकॉज 60 एलिमेंट्स आर कंटेंट इन द सोइल। ये साधारण नहीं, 60 तत्व इसमें मौजूद है। आज भी आप देखते होंगे एक प्रथा बनी हुई है, जब भी किसान की खेती उर्वरक नहीं होती है तो किसान लोग वो मिट्टी परीक्षण के लिए ले जाते हैं। अब वैज्ञानिक लोग उस मिट्टी को परीक्षण करते हैं कि इसमें क्या क्या तत्व नहीं है, फिर वो किसान को राय दे देते हैं। इस तरह हम जो भी पदार्थ खा रहे हैं वो उसकी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर है,
पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जल है, पृथ्वी जल है। इसलिए वेद में लिखा है, वेदों में, आदमी जल पी करके जीवित रह सकता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं वो उसे जल से प्राप्त हुए हैं। इसलिए जल पीकर आदमी जिंदा रह सकता है। अब हम थोड़ा सोचते हैं कि जब वो समाधि अवस्था में चला जाता है उसको क्यों भूख प्यास नहीं लगती है? महर्षि वाल्मीकि का एक प्रमाण मिलता है कि उनके शरीर पर दीमक आ गई थी, वो जिंदा कैसे रहे? लोग नहीं मान पाएंगे, जिनको नहीं समझ में है वो कहेंगे ये नहीं हो सकता है। मैंने कहा जो मैं विवरण दे रहा हूं इससे विज्ञान कभी सहमत ही नहीं होगा, वैज्ञानिक सहमत नहीं हो सकते, मुझे झूठा बोलेंगे। हमें जो कुछ भी मिला पृथ्वी से मिला, जिससे हमारा जीव शरीर का अस्तित्व है, इसी से हमें प्रोटीन मिली, कैल्शियम मिला, आयरन मिला, फास्फोरस मिला, यही सब तो है ना पृथ्वी में कंटेन है। देखो इसमें गैसेस है, इसमें फ्यूल ऑयल है, किसमें कितनी कितनी चीजें निकलती, जो भी आप बाहर देख रहे हैं। अब मैं बैठा हूँ, ये पुस्तक भी धरती से निकली है, ये टीवी भी धरती से निकली है, ये स्टैंड भी धरती से निकला है, ये माइक भी धरती से निकला है, ये लैपटॉप भी धरती से निकला है, ये कंप्यूटर भी धरती से निकला है, ये बिजली की लाइटें भी धरती से निकली है। इसमें वो तत्व थे। तो पृथ्वी का अस्तित्व और पृथ्वी के अंदर जो धातु है उसकी उसका उद्गम कहां से हुआ? जल से। जल ही पृथ्वी का आधार है। इसका मतलब पृथ्वी ने यह ताकत किससे धारण की? जल से। जल में ताकत है। अब देखते हैं जल की ऊर्जा का आधार क्या है। विज्ञान में बच्चों को पढ़ाते हैं, हमने भी पढ़ा है, जल दो गैसों का मिश्रण है, जल दो गैसों का मिश्रण है, यानी जल को ताकत मिली है वायु से। मैंने सांप का उदाहरण दिया था कि सर्प दिवाली के दीप जलने के साथ भूमिगत हो जाता है, जाड़ा शुरू हो जाता है। सांप के शरीर का टेम्परेचर मनुष्य की तरह नहीं, स्वाभाविक नहीं है। हमारा टेम्परेचर तो 98.7 डिग्री रहेगा, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी, लेकिन सांप का शरीर का टेम्परेचर बाहरी वातावरण पर है। जब बहुत ठंड हो जाएगी वो एंड जाएगा, वो बहुत गर्मी होगी मचलेगा, इसलिए फिर वो क्या करता है, भूमिगत हो जाता है ठंड से बचने के लिए। आप देखें सर्दी में जो पानी निकलता है गर्म निकलता है, इसका मतलब है पृथ्वी की ऑटोमेसी है। पृथ्वी में ये सर्दी में गर्म हो जाती है, गर्मी में ठंडी हो जाती है, तो वो इसलिए भूमि में जाता है। और ये नागपंचमी अब फागुन में बाहर निकला हुआ निकलेगा। आखिरी ये चार महीने क्या कहा रहा था? वायु। जैसे मछली के अंदर एक सिस्टम है, उससे भी ऑक्सीजन चाहिए, जो भी रक्तधारी है ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकता है, तो मछली भी रक्तधारी है। मछली को ऑक्सीजन कहां से मिलता है? वो जल से ऑक्सीजन लेती है, उसके बॉडी में सिस्टम है, वो जल को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। क्या गजब है उसके अंदर। जीव जंतुओं की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो बड़ा रहस्य उनके अंदर भरा पड़ा है। तो अब हम देखते हैं वायु का अस्तित्व किससे है। सीधी बात है कि जल का अस्तित्व तो वायु से है, और सांप और कई ऐसे भूमिगत रहने वाले जीव चार महीने सांस, लेकिन सांप को उस समय क्या मिलता है? सिर्फ जीवित रहने की ऊर्जा मिल पाती है, एक्टिविटी करने की नहीं, बहुत सूक्ष्म ऊर्जा मिलती है। मैंने एक बौद्ध भिक्षु की भी तस्वीर आपको दिखाई होगी इसी संदर्भ में, आज थोड़ा मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, कनेक्ट करूंगा गुरु के ध्यान से। इस तरह अब हम देखते हैं वायु का ऊर्जा स्रोत क्या है। आकाश, वेद भी कह रहे हैं ना वायु की उत्पत्ति आकाश से हुई है।
और वैज्ञानिक लोग भी इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं, द ब्लैक मैटर इज द मैटर बेस ऑफ द क्रिएशन. हाँ, लेकिन दे डोंट नो व्हाट इज द बेस ऑफ द ब्लैक मैटर. अब वो ये आकाश तत्व से वायु ने ताकत दी. आकाश तत्व की ऊर्जा का स्रोत क्या है? शून्य. वो शून्य लोग नहीं समझ पाते. शून्य एक बहुत बड़ी चीज है. शून्य में सृष्टि बनी. साहब ने वाणी में कहा, आप देखें जब भी हम कलम रखते हैं तो पहले शून्य बनती है. पेन रखने के साथ शून्य बनी, उसके बाद अक्षर. हर अक्षर का बेस ही शून्य है. उसी अनंत शून्यों को जोड़ करके ही अक्षर बनता है. जैसे हमारा जिस्म सेल है, अनंत सेल कोशिकाओं के द्वारा हमारा शरीर सृजित है. अनेकानेक कोशिकाएं संग्रहित होकर के हमारे शरीर का सृजन है. इस तरह इसलिए वैज्ञानिक ये क्या कह रहे हैं, परमाणु. और यहां साहब क्या बोल रहे हैं पता है? उन्होंने परमाणु का तो विश्लेषण दिया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. पर साहब क्या कह रहे हैं, बार के दस दसवें अंश को जल की बूंद का दसवां अंश कर, ताका बिस्वा बीस, उसके बीसवां भाग करो. हाँ, माइक्रो मिलियन में पहुंच जाएगा. ऐसे हैं जगदीश. वाह, ऐसा है जगदीश. अति सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म. कबीर साहब तो महान वैज्ञानिक थे, महान कवि थे. अगर आप उनकी वाणी का मंथन करेंगे पूरा विज्ञान सामने आ जाएगा. मैंने कई बार एक एग्जांपल दिया शून्य का, ब्लैक होल का. कबीर साहब ने इसी ब्लैक होल को भंवर गुफा कहा है. वहां पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है जाकर जब साधक वहां पहुंचता है. और महाप्रलय का वृतांत भी दिया है कि निरंजन धीरे 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 सभी चीजों को अपने में लय कर देता है. यही वैज्ञानिक ब्लैक होल के लिए बोल रहे हैं कि वो हर एक पदार्थ को अपने में खींच लेता है, उसके अस्तित्व को खत्म करता है, उसकी एनर्जी अपने में समा देता है. और हमारे यहाँ ये कह रहे हैं ये पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म रूप है. यानी फिर वो शून्य ने क्या किया, जब शून्य समस्त पदार्थों का विनाश करती है शून्य बना देती, जब फिर सृजन होता है वो शून्य फिर जल और पंच भौतिक तत्वों में ऊर्जा को समाहित कर देती है. इस सिद्धांत से ईश्वर को सर्वमयी बोला गया इस धर्म में. पर व्याख्याकार लोग अच्छी तरह से व्याख्या नहीं दे पाते हैं, तर्कयुक्त व्याख्या नहीं दे पाते हैं, इसलिए आदमी समझ नहीं पाता है. जब तक हम तर्क से आदमी को नहीं समझाएंगे तब तक वो उसके हृदय में स्थान नहीं बना पाएगी चीज. तो इस तरह से यहां आप साहब क्या करें, शून्य में रचो संसारा. शून्य का है खेल सारा, सहजो सात सुखी कहे लागी शून्य समान. अब वो जब शून्य में पहुंच जाता है उस समय उसे किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं, कोई ऊर्जा भौतिक की जरूरत नहीं है. यहां पलटू साहब भी इसकी पुष्टि क्या कर रहे, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा, वहां भूख प्यास आदि ये सभी तत्व नहीं होते. तो बंधु अब वहां दीर्घ समय तक लोग रह सकते हैं. मैंने ये भी एग्जाम्पल दिया था, आखिर शिवजी ने अपनी समाधि के लिए, शिवजी योगेश्वर है, त्रिकाल में सिर्फ छह योगेश्वर हुए, उनमें योग का प्रारंभ और योग का आदि ही शिवजी है. इसलिए कहा जाता है भगवान शिव योगेश्वर भगवान शिव, योगेश्वर भगवान विष्णु नहीं कहते हैं, योगेश्वर भगवान शिव बोला जाता है. चार युग की समाधि लगाते थे. अब यहां सवाल उठा कि चार युग में शिव जी का शरीर क्यों नहीं नष्ट होता था, क्योंकि एक तो वो बर्फ में कैलाश पर्वत पर हमेशा कूलिंग है, इसलिए बॉडी डिस्टर्ब नहीं होती है वहां.
दूसरा उसको इनर में वो एनर्जी जो थे वो शून्य से ले रहे थे, अलग से ले रहे थे, इसलिए योगी लोग अलग निरंजन बोल रहे हैं। इसको भी लोग नहीं समझ पाए, ये ब्लैक होल हुआ, यानी वहां से वो कंप्लीट ऊर्जा अपनी वहां पहुंच जाती है। शून्य में रचो संसारा, शून्य का है खेल सारा। तो आइए मैं वापस आता हूं सरत योग पर, उससे भी अब यहां शून्य से पूरी पृथ्वी मिल रही है, पर शून्य परिवर्तनशील है, लेकिन परम पुरुष से जो एनर्जी मिलती है शून्य का एंड हो जाएगा एक दिन। इसलिए निराकार तक वेद बोल रहे हैं, आगे वेद कहे, वेद कहे में वेद ने जाना थका विचार विचारा नेति नेति। अब यहां साहेब क्या करें, जो शून्य तक भी पहुंचा, अलग निरंजन तक भी पहुंचा, सुरक्षित नहीं है, दोबारा जब महाप्रलय के बाद सृजन होगा तुम्हें जन्म लेना होगा। ये बहुत बड़ी टेक्निकल बात है, पर साहेब कह रहे हैं जब उस देश में पहुंचा क्या करें, बर्न आवे हो यह संसार। इसलिए अमर लोग कहा से जहां से हंसा आया अमर है वो लोक हुआ। अब उस अमर लोक की व्याख्या साहब विविध शब्दों अलंकरणों से कर रहे हैं, पानी नहीं पवना नहीं, जहां पंचभौतिक तत्वों का अस्तित्व नहीं है, जहां अब आप, मैं एक और एग्जांपल दूंगा आप इससे समझिएगा। अब साहब क्या कह रहे हैं, निरंजन ने जब सृष्टि की तो परम पुरुष ने आज्ञा दी थी कि कूर्म जी के पास जाकर सृष्टि का संसाधन लो, आप देखें। जब तीन लोक का राज्य मिला निरंजन को तो उसने कहा, सहज से कहा, कह रहे पुरुष दयाल दीन मैं राजू, जानू न भेद करूं किम काजू, बोला दुनिया सृष्टि कैसे उत्पन्न करूं, गम में अगम में मोह नहीं आई, कह रहे मुझे ये भेद नहीं पता है। आप थोड़ा मिलान करना वर्णों को, शब्दों को, क्या कह रहे हैं पुरुष दयाल दीन मह राजू, कह रहे पुरुष दयाल दीन मह राजू, जानू न भेद करूं किम काजू, परमात्मा ने मुझे तीन लोक का राज्य 17 चौकड़ी युग के लिए दिया, लेकिन दुनिया कैसे बनाऊ मुझे पता नहीं, गम में अगम मोह नहीं आई, करो दया सो युक्त बताई, बोला मुझे इसका रहस्य नहीं पता है, मुझे दया करके बताओ कैसे सृष्टि बनाऊ, विनती करो पुरुष से मोरी, अहो भ्राता बलिहारी तोरी, कूर्म जी से कहा जाकर परम पुरुष से मेरी तरफ से विनती करो कि मैं कैसे करूं, मौका दे साज प्रभु सोई, जाते रचना जगत की हुई। अब यहां कह रहे हैं मुझे वो पूरा सामान दो जिससे सृष्टि बने, तभी सहज लोक बगधारा की दंडवत बारंबारा, सहज तब परम पुरुष के पास आए प्रार्थना की, परम पुरुष के अहो सहज कस एहमा आए सो हम हमसे तुम शब्द सुनाए, यहां क्यों आए हो क्या बात है, कहे सजत सहज तब धर्म, धर्म की बात आ जो कुछ धर्म कही भी क्या था, बोला जो निरंजन इनको धर्मराय भी कहते हैं, जो बात बोली परम पुरुष को विख्यात ने बताया कि वो कह रहा है सृष्टि कैसे बनाऊं, धर्मराज जस विनती लाई तैसे सहज सुनाई जाई, वैसे बताया, तब पुरुष आज्ञा क्या दे, आज्ञा पुरुष दीन थे हमारा सुनो सहज तुम वचन हमारा, परम पुरुष की आज्ञा दे रहे सुनो, कूर्म के उधर आए आज सब साझा, सोले धर्म करे निज काजा, विनती करे कूर्म से जाई मांग लेते मात न भाई, बोला कूर्म जी के उधर में शून्य है और शून्य में ही संसार रचा जा, सभी उत्पत्ति का सामान उससे मिल जाएगा। और साथ में कहा उनको जाकर के विनती करें निरंजन कूर्म को, इसलिए हमारे धर्म में कहते हैं कूर्म पर ही प्रति है, पर वो ये नहीं जान पाए, लोगों ने कछुआ बनाकर यूं दिखा दिया इस पर धरती है, नहीं है धरती कछुए पर बेस क्या था, कूर्म से ही शून्य मिली, इसलिए पूरे ब्रह्मांड का जो आधार है वो कूर्म है।
जायकुर उनके सम्मुख भयु दंड प्रणाम एक न कहू। कूर्म जी के पास जाकर पहुंचा और दंड प्रणाम कोई नहीं किया, क्योंकि तप के कारण से उसे थोड़ा सा बल मिल गया था, थोड़ा अहंकार है। अमी स्वरूप कूर्म सुखदाई तपन तन को अति शीतलाई, बड़े शीतल थे। कर गुमान देखो जब काला कूर्म धीर अति है बलवाना, देखा कूर्म जो अति बलवान विशाल है। बारह पालंग कूर्म शरीरा छह पालंग धर्म बलवीरा, यानी ये शून्य जो है ये पूरा ब्रह्मांड छह पालंग है। इस पालंग की व्याख्या करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कुछ लोग पता है किसकी व्याख्या, योजन की व्याख्या करते हैं, तो मैंने एक दिन टीवी में देखा योजन की व्याख्या क्या कर रहे थे, अटपटी कर रहे थे। बड़ी अटपटी व्याख्या कर रहे थे। योजन में चार कोस होते हैं भाइयों, चार कोस मीन्स आठ मैल, आठ मैल इज इक्वल टू 12.7 किलोमीटर। तो योजन 60 लंका की खाई, लंका 60 योजन थी, बीच में 60 योजन समुद्र है, 60 या कुछ ऐसा है, ये थी। यानी अभी भी वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि धीरे 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 सभी चीजें चल रही है, और ये लंका द्वीप धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, और ऐसा समय आ जाएगा तमिलनाडु से अगर मिल जाएगा कन्याकुमारी के पास उधर। तो बंधुओं इस तरह ये पूरा ब्रह्मांड छह पालंग है, और कूर्म जी 12 पालंग थे डबल। तो निरंजन ने उनसे प्रार्थना नहीं की, बलपूर्वक उनसे शून्य छीन ली। अब आगे सुने, उदरत निकसे पवन आगाता, पांच तत्व धरती आकाशा चंद्र सूर्य अर्गन रविवासा भिक्षु नीर अग्नि शसुरा निक्षु नव ढाकन मैथुरा मीन शेष बारह मई मंथन पुन प्रतीको भयो आरम्भन। कह रहे ये सभी पदार्थ शून्य से, शून्य उसके हाथ में आई, उसी से पूरी पूरी पृथ्वी तारा ब्रह्मांड ये हुआ। तो अभी यहाँ कह रहे हैं शून्य में रचो संसारा, एक ठेलुआ मेरा क्रिटिसाइज कर रहा था, कह रहा था शून्य मीन्स नथिंग, ये मधु परमंश झूठा ऐसा ऐसा, उस पर तो मैं थोड़ा मुकदमा भी करना है अभी डिफर्मेशन का। आप किसी की प्रतिभा पर इस तरह हमला नहीं कर सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जबरदस्त जजमेंट दिए, कोई भी आदमी अपनी प्रतिभा को स्थापित करने में बहुत लंबा टाइम लगाता है, और ठेलुआ लोग आकर 2 मिनट में उसकी प्रतिभा पर हमला करते हैं, ये एक हत्या के समान है। आप आलोचना करें ना, तर्कयुक्त करें ना, डांटी तो नहीं करें ना, गंदी तो नहीं करें ना, अब शब्दों से तो नहीं करें ना। अब वो क्या करता है, हटा देता है ताकि पकड़ में ना हो, फिर थोड़े दिन लगाकर ब्यूबर्टी बढ़ाता है, फोटो मेरा लगा हुआ है ताकि मेरे लोग भ्रमित हो जाएं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप हमारी प्रोफाइल देखना, जब भी प्रोफाइल आपको नजर आए तो समझना मेरा प्रोग्राम है, अगर प्रोफाइल नहीं है तो वहां ढकोसला है। ऐसे कई ठेलुआ मेरी आलोचना करते रहते हैं, अपनी प्रोफाइल में आपको शो करता हूं। और ऑफिशियल हमारा फेसबुक है, सभी चीजें हैं,
तो सुनिए, तो शून्य से ही पूरा ब्रह्मांड बना। ऊर्जा शून्य है और निरंजन पर शून्य में वास भी किया है, एंड में शून्य हो जाती है। अब साहब यहां क्या करें, शून्य से परे पुरुष को धाम। इससे एक बात सिद्ध हो रही है, आगे कुछ है इसका संदेश तो आप देख रहे हैं। ये झूम दो प्रोफाइल को, अगर आप उसमें जाकर हमारी ये प्रोफाइल ओपन करेंगे इसमें मेरे बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। अजय ओपन करो इसको, ये प्रोफाइल है हमारी, ये ओपन करो और एपिसोड पूरे दिखाते जाओ। वो हमारी ऑफिशियल प्रोफाइल है, प्ले करो, आगे बढ़ते चलो। इस तरह मेरे बहुत एपिसोड इंटरव्यू बाकी जितने भी हैं, आप कभी भी चाहें तो वो जाकर आप YouTube में देख सकते हैं। ये है जिसमें आप देखो मफलर बांधा हुआ हूं मैं, साहेब बंदगी लिखा है। आज के प्रवचन का सार ये था, अब आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत मेरे प्रोग्राम आपको मिलते जाएंगे। जो ठेलुआ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरा फोटो तो लगा रहे हैं, मटेरियल अपना लगाकर अपनी व्यूवर्टी बढ़ाने के लिए कि हाँ सब्सक्राइबर इतने इतने हैं। अब कुछ मेरे जो शिष्य हैं जिनको नहीं पता है वो भी ओपन करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनको पता नहीं है कि वो डुप्लीकेट चीजें हैं। इसलिए सोशल मीडिया में तो बहुत ज्यादा गदर हो चुका है। आप देखें हमारे देश के गणमान्य लोगों के लिए भी आउट कंट्रियों से लोग इतनी गंदी गंदी कमेंट देते हैं, इतनी गंदी गंदी चीजें भेजते हैं, खामा खां की लांछना किसी स्त्री का फोटो जोड़ कर कह रहे हैं इनकी वाइफ है ना, जिसका कोई तर्क है ना कोई कुछ और है, बस किसी को इस तरह बदनाम करना। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, बहुत अच्छा कानून बना साइबर एक्ट के अनुसार, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, नाचेगा फिर वो। तो कहने का ये मतलब था बंधुओं कि ये पूरा ब्रह्मांड इस तरह निरंजन का है, जो भी शून्य में आए शून्य में निरंजन रह रहा है, शून्य स्वरूप ही देव निरंजन तो है राग ब्रह्माई, इसलिए अलग भी कहा उसे। ये पूरी सृष्टि का यही रहस्य है। तो अब आगे साहब क्या कह रहे हैं सूरत योग पर, बड़ा सुंदर कह रहे हैं। अब सूरत कहाँ जोड़े, हमें करना ही है सूरती। गुरबिन नहीं होए आचारा, गुरबिन नहीं होए भव पारा, शिष्य सीप स्वांति जानो गुर पारस शिष्य लोह समानो। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, आप देखो सीपी 24 घंटे ध्यान किसका कर रही है, 24 घंटे वो ध्यान स्वांति की बूंद का करती है। वो नहीं देख रही है मौसम कौन सा है, वो नहीं देख रही है कि बारिश का मौसम है या नहीं है। इस तरह निरंतर जब आप किसी चीज का ध्यान करेंगे उसी में समा जाएंगे। ये है सूरत योग। साहब ने सूरत योग पर बहुत कुछ कहा, मैं पुनः सूरत योग पर आगे और डिटेल बोलूंगा, यहीं से बात प्रारंभ करूंगा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।